हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमिक्स। तो आज हम लोग है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स का होल नंबर। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का है मैथ्स क्लास सिक्स चैप्टर टू है होल नंबर। ठीक है बच्चों, तो होल नंबर्स क्या होता है हमें इसे समझना है, राइट। तो आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर जो होते हैं बच्चों, उनसे पहले अगर हम जीरो लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, राइट। तो होल नंबर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। क्या होता है, जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट। समझ में आ गया बच्चों? तो काउंटिंग नंबर जितने होते हैं ना, उससे पहले अगर आप जीरो लगा दो तो वो क्या होता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो होल नंबर समझ में आ गया है ना। चलिए तो अब इसको देखते हैं कि होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने इनके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है बच्चों। अगर इससे पहले कि आपने 1.1 एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है तो आप उनको पहले देख लो बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, तो देखो नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो कई सारे पॉइंट मिलकर के एक नंबर लाइन का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे इनको हमें समझना है, राइट। तो देखो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, तो बच्चों ये आप मान लो जीरो है। ठीक है बच्चों, और ये राइट साइड होता है, तो हमने बता रखा है कि राइट साइड जब भी हम जाते हैं बच्चों तो हमारा जो वैल्यू होती है नंबर लाइन पर वो पॉजिटिव होता है, और जब हम लेफ्ट साइड आते हैं तो हमारा वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव आती है, राइट। तो हम वैल्यू को राइट साइड लेके चलेंगे। जीरो हो गया बच्चों, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, इसी तरीके से इनफाइनाइट आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो नंबर लाइन पे आपने देख लिया किस तरीके से हम वैल्यू को मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पे जीरो हो गया बच्चों, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, इस तरीके से वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं जितनी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, अब हमें यह समझना है बच्चों कि नंबर लाइन पे हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐड को हमें समझना है, उनको देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या है एडिशन, राइट। एडिशन ऑन द नंबर लाइन मतलब एडिशन क्या हो गया बच्चों, कि हम दो नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ऐड करेंगे ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो चलो अब देख ले। तो मान लो हमने यहाँ पे वन ले लिया बच्चों, टू ले लिया, थ्री ले लिया, फोर और फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, इनफाइनाइट आप ले सकते हैं, जितना आपको लेना है आप ले सकते हैं। अब इसमें हमें समझना है कि एडिशन कैसे होता है, राइट। तो देखो जब हम यहाँ से बच्चों यहाँ पे मूव करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वन आ गया, राइट बच्चों। फिर यहाँ से अगर हम फिर मूव करेंगे तो ये वन हो गया, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू हो गया बच्चों। ठीक है, फिर अगर ऐसे मूव करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस का सिम्बल्स हो रहा है बच्चों। ऐसे करके मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस हो रहा है। ऐसे मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, प्लस हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं टू प्लस फोर क्या हो जाएगा, हमारा सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, वन से पहले टू पे गया, टू से हमने थ्री पे गया, थ्री से फोर पे गया, और ये साइन कंपलसरी है बच्चों। ओरिजिन से अगर राइट तरफ जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा नंबर लाइन पे बच्चों वो पॉजिटिव होगा, वो अभी हमने नंबर लाइन पे भी आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। आप इन पे क्या करेंगे, कई सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है, जिससे आपको आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन हम इस पर कैसे करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, जब नंबर लाइन पे क्या करेंगे बच्चों, हम सब्ट्रैक्शंस करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है बच्चों, वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ओरिजिन से क्या होगा, लेफ्ट साइड जाएंगे, यहाँ हम राइट साइड जा रहे थे बच्चों, और हम सब्ट्रैक्शन में क्या होंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने वन ले लिया बच्चों, टू ले लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, माइनस का टू आ जाएगा। ठीक है, माइनस का थ्री ले सकते हो आप, माइनस का फोर ले लो, माइनस का फाइव ले लो, या माइनस का सिक्स, या माइनस का आप सेवन ले सकते हो। तो इसमें आपको दो बात समझनी है बच्चों। पहली बात ये समझना है कि अगर हम देखो वैल्यू को क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया बच्चों, ठीक है, तो अब इन्हें हमें ये समझना है कि हम डिक्रीज कैसे दिखाएं, राइट, डिक्रीज कैसे दिखाएं। चलो इनको थोड़ा सा हम और बढ़ा के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे मान लो हमने ज़ीरो ले लिया बच्चों, और यहाँ पे हमने वन ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, टू ले लिया। इस तरीके से वैल्यू चलता जाएगा तो आप इनको समझ सकते हैं। अब जैसे हमने मान लो बच्चों, हमने माइनस का टू ले लिया और प्लस का हमने फोर लिया, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया बच्चों, टू हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो जैसे हम क्या करेंगे बच्चों, वन से फोर जाएंगे, क्या जाएंगे, यहाँ पर आप, सॉरी यहाँ पर सोने हो रहे बच्चों, आप यहाँ पर देख लो,
ठीक है, यहाँ पे हो गया टू, और यहाँ हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ पे हो गया थ्री और यहाँ पे फोर हो गया। तो अब हमें यह ध्यान है बच्चों क्या है, हमें माइनस का टू और फोर, और रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, टू आ रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वन से हम, वन से जो है बच्चों वो कहाँ जाएंगे, हम डायरेक्ट फोर जाएंगे, वन टू फोर जाएंगे। तो इसका मतलब जो है वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, टू पे आएंगे बच्चों, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा वैल्यू नेगेटिव निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है, वन से फोर, फोर से फिर क्या हो रहा है बच्चों, हम टू पे आ रहे हैं, मतलब फोर में से क्या हो रहा है, टू लेस हो जा रहा है, अपोजिट साइन हो जा रहा है, तो सब्ट्रैक्शंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इनको देखते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है बच्चों, तो देखो मल्टीप्लीकेशंस ऑन द नंबर लाइन, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, पेयर की। जैसे मान लो बच्चों थ्री और अगर हम टू ले लेते हैं तो क्या हो गया हमारे पास, सिक्स हो गया। अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरीके से आप लेंगे तो टू टू का पेयर्स हैं, तो ये हो गया टू हो गया बच्चों, फिर टू हो गया, फिर टू, इस तरीके से आप इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थ्री टू जो, सॉरी बच्चों, इस तरीके से नहीं होगा, क्या करना है, वन से आपको थ्री पे आना है और थ्री से डायरेक्ट सिक्स पे जाना है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से होगा, आप इनको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो बच्चों यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये वन से हम थ्री पे जाएंगे और थ्री से डायरेक्ट हम किस पे जाएंगे, सिक्स पे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और सिंबल इस तरह के देना है। तो ये क्या हो गया बच्चों, थ्री और थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का आप रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखो क्या है बच्चों, प्री, प्री मतलब क्या होता है बच्चों, पहले होता है, यानी वी फोर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी फोर होता है बच्चों, वी फोर, और उसके बाद होता है प्रीडेसर्स, मतलब प्रीडेसर्स का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर कह रहा है आपको उनसे पहले का नंबर क्या होता है, उनको हम लोग बोलते हैं प्रीडेसर्स। जैसे अगर आप मान लो आपको कहते हैं बच्चों हंड्रेड का प्रीडेसर्स क्या होगा, तो हंड्रेड में से क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वन को लेस कर देते हैं, तो क्या होगा, 99 हो जाएगा। तो आपको प्रीडेसर समझ में आया। अगर आपको कहता है बच्चों कि माइनस नाइन का प्रीडेसर्स क्या होगा, राइट, तो आप क्या करेंगे, माइनस नाइन और एक घटाएंगे तो क्या हो गया, माइनस टेन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, तो प्रीडेसर मतलब क्या, प्री मतलब क्या हो गया, पहले, मतलब बिफोर, हंड्रेड से पहले क्या आता है, 99 आ गया, माइनस नाइन से जो पहले अगर आप देखेंगे बच्चों वो क्या हो गया, माइनस टेन आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस टेन छोटा होता है, माइनस नाइन जो होती है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देखना है, प्लस माइनस में बातें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसका जो अगर फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, तो क्या होता है, नंबर क्या होगा बच्चों, अगर इनके फॉर्मूला देखेंगे तो नंबर प्लस क्या हो गया, सॉरी, नंबर माइनस क्या होता है, वन होता है। ठीक है, इक्वल टू रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ याद रखना, जो भी नंबर आपको दे रखा होगा उसमें से आप क्या करेंगे, वन को माइनस कर देंगे, तो वो क्या होगा, आपका प्रीडेसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, सक्सेसर। सक्सेसर्स क्या होता है बच्चों, जस्ट इनका रिवर्स होता है। सक्सेस मतलब कहते हैं ना कि हमने सक्सेस कर लिया, सक्सेस मतलब क्या आ गया, एक कदम आगे, राइट। तो इनका क्या होगा बच्चों, जो भी आपको नंबर दिया हुआ होता है ना, ठीक है बच्चों, क्या होगा, नंबर और प्लस क्या करेंगे, वन कर देंगे, तो वो क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा आपको। रिजल्ट मतलब क्या हो गया, आपने सक्सेस कर दिया, राइट। जैसे एग्जाम्पल से मैं आप अगर समझाऊँ आपको, जैसे अभी हमने हंड्रेड लिया, तो हंड्रेड का अगर सक्सेसर हमसे पूछा जाता है तो क्या करेंगे, हंड्रेड प्लस वन कर देंगे, तो क्या हो गया, वन हंड्रेड वन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास थ्री है बच्चों, इसका सक्सेसर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो थ्री प्लस क्या हो गया, वन, तो हमारा क्या हो गया, फोर। अगर मान लो इसमें आपको माइनस का फोर दे रखा है, इसका सक्सेसर पूछा जाता है, तो क्या करेंगे, माइनस फोर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का थ्री। तो ये माइनस में थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, बाकी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप बच्चों समझ जाते हैं, तो आई थिंक आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, और काफ़ी आसान भी है, आप इसे देखते ही कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को।
तो देखो बच्चों कह रहा है राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल्स नंबर्स आफ्टर्स, ठीक है, 10,999, मतलब 10,999 के बाद के तीन नंबर्स आपको लेने हैं बच्चों। यानी ये क्या हो गया बच्चों, सक्सेसर्स कह रहा है। क्या कह रहा है? सक्सेसर। तो देखो 10,999 यानी 10,990 में प्लस वन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 11,000 हो जाएगा, क्योंकि एक ही कम था। अब क्या करना है बच्चों, 11,000 पे वन ऐड करेंगे तो 11,001 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये मैं सॉल्व इसलिए कर दिया कि आपको कम टाइम में मैं आपको समझा पाऊँ ज़्यादा बातें, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं 100, देखिए यहाँ पे 11,001 है बच्चों, है ना। तो 11,001 में वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11,002 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आ गया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो क्या रहा है बच्चों, राइट द थ्री होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर थाउजेंड्स। यानी जस्ट बिफोर का मतलब क्या हो गया बच्चों, यानी ये हो गया प्रेडिशन। मतलब अभी हमने बताया था अभी कॉन्सेप्ट में, प्री मतलब पहले, जस्ट बिफोर मतलब प्रेडिशन हो गया बच्चों। तो देखो कह रहे 10,001 है बच्चों, इसमें से अगर वन हम लेस करेंगे तो क्या होगा, 10,000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड 10,000 आ गया बच्चों, 10,000 में अगर हम वन माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9,999 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर उसके बाद जो है 9,999 में अगर वन लेस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 9,998 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये आप देखते ही आंसर बता देंगे। कह रहे हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर पता है बच्चों वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि होल नंबर का जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, ठीक है, होल नंबर क्या होता है, जीरो होता है, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से होल नंबर होता है। तो होल नंबर जो होगा बच्चों वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि जीरो से होल नंबर स्टार्ट होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो जीरो ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं कि हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर 32 एंड 53। मतलब 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर हैं, ये हमें क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी करना है, कुछ नहीं, क्या करोगे बच्चों, 53 में से 32 लेस कर दो, ठीक है। 53 में से 32 लेस करोगे तो कितना रिजल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है, इसको करो तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया, 1 आ जाएगा, और ये क्या हो गया, 2। अब इसमें से क्या करना है बच्चों, 1 को आपको लेस कर देना है, क्यों, क्योंकि 0 से यहाँ जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसमें करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 32 और 53 के बीच में 20 होल नंबर्स निकल के आपको आ जाए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है आपको, ठीक है, राइट द सक्सेसर। ठीक है बच्चों, सक्सेसर्स क्या होता है, हम अभी बताया आपको, जो नंबर दे रखा होता है बच्चों उसमें हम क्या करते हैं, 1 को प्लस कर देते हैं तो हमें सक्सेसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें नंबर्स दे रखे हैं बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें 1 को प्लस कर देना है तो हमारा इसका सक्सेसर निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे, 2, 4, 4, 0, 7, 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 crore, राइट बच्चों, 1 crore 44 lakh, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, ठीक है, और 10 lakh हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 24,04,701 हो जाएगा, और यहाँ पे आप कैसे 24,40,000 क्या है बच्चों, 702 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं बच्चों, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, राइट, 1 lakh निकलना है, तो इनको करेंगे तो बच्चों 1 हो जाएगा, 00, और यहाँ पे देखो 1 अगर ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर कैरी इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 200 बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 200 आंसर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब इसमें क्या करना है आपको, 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करोगे, देखो अगर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, फिर इसका क्या रही इसमें, इसका क्या रही इसमें, इसका क्या रही इसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पे क्या करना है आपको, 50 कर देना, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स निकल के आ गए। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों इसमें भी करना है, तो इसमें क्या करना है आपको, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, और 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके आंसर्स निकल के आ गए। तो आपको सक्सेसर समझ में आ गया, मतलब जो भी आपको नंबर होता है ना बच्चों उसमें हम क्या करते हैं, प्लस 1 ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, सक्सेसर, हमने कॉन्सेप्ट में भी अभी आपको बताया। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला जो है हमारा है, कह रहे हैं राइट द
प्रेडेशन, प्रेडेशन मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब पहले की नंबर होगा बच्चों, तो जो नंबर हमें दिया हुआ होता है उसमें से हम क्या करते हैं बच्चों, वन को माइनस कर देते हैं, तो वो क्या होता है प्रेडेशन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 94 में से अगर वन लेस करोगे तो क्या होगा, आपको पता है ईजी है ये, तो 93 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें से अगर लेस करोगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड में से वन लेस करोगे तो क्या हो गया 9000 हो जाएगा, 999 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे करेंगे देखो, इसमें क्या करोगे बच्चों, ये हो जाएगा 20 80 और यहाँ पे क्या हो गया 89 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 90 में से वन लेस करोगे तो 89 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, आपको दे रखा है। अब इसमें से करेंगे बच्चों तो 7 6 5 4 3 2 और यहाँ पे वन है तो लेस कर दोगे वन, तो जीरो, तो ये आपके आंसर्स निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में पेयर, राइट बच्चों, कुछ पेयर्स दे रखे हैं आप देख ही रहे हो बच्चों। ठीक है, ऑफ द नंबर्स स्टेट विच होल्ड्स नंबर इज वन ऑफ द लेफ्ट ऑफ अदर्स नंबर ऑन द नंबर लाइन, तुम कह रहा है कि कौन सा नंबर जो है बच्चों वो क्या है लेफ्ट साइड में है, एंड ऑल्सो राइट देयर विद द एप्रोसिएट साइंस, राइट, ग्रेटर देन या लेस देन। तो देखो सबसे पहले बच्चों, ये अगर नंबर लाइन हमने बताया आपको, ये देखो क्या होता है ओरिजिन होता है बच्चों, और ये क्या होता है राइट साइड होता है, जो वैल्यू पॉजिटिव होता है, और इससे इससे अगर लेफ्ट जाते हैं तो हमारा वैल्यू नेगेटिव होता है। तो अब हमें ये देखना है बच्चों 530 और 503। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है हमारा, अगर हम इस नंबर लाइन पर लिखते हैं तो बड़ा तो ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बड़ा ये हो जाएगा, बट इनका जो होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, 530 से लेफ्ट साइड आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, LEFT, लेफ्ट साइड हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये जो 503 है ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, चलो लेफ्ट साइड को हम क्या बोल सकते हैं, LHS भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप लिख सकते हैं बच्चों LHS में। अब देखो बी क्वेश्चन में क्या रहा है आपको, 370 और 307 है बच्चों, तो आपको पता है 300 से ये बड़ा होगा, तो ये सिंबल तो क्या होगा इस तरीके से होगा, बट ये 300 जो 7 है बच्चों ये क्या होगा 370 का लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, किस नंबर का 370 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, अगला देखो 98765 है और ये 56007, तो यही बड़ा नंबर हो गया बच्चों, तो ये जो बड़ा नंबर होगा तो ये क्या होगा 56789 वो क्या होगा इनके पीछे होगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों लेफ्ट साइड ही होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला देखो बच्चों, ये क्या है 90 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh 98 lakhs 30 415 और यहाँ पे क्या है 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये नंबर आ गया, राइट, तो देखो ये नंबर अगर बड़ा होता है तो ये सिंबल से इधर हो जाएगा और ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चों राइट साइड में हो जाएगा, तो ये नंबर क्या होगा इनके राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया RHS हो जाएगा राइट साइड। ठीक है बच्चों, इसका जो अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पेड होता है LHS, तो ये क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब क्या होता है बच्चों राइट हैंड साइड, क्लियर, तो ये आपके इसकी फुल फॉर्म भी समझ में आपको आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको कॉन्सेप्ट करवाया गया है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, राइट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट, तो हम देखते हैं। तो कह रहे जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको याद होनी चाहिए बच्चों नेचुरल जो नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों वन से स्टार्ट होता है 1 2 3, तो यहाँ पे कह रहा है जीरो, तो जीरो तो कहीं है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कह रहे 400 इज द प्रेडिशंस ऑफ 339, तो 339 का अगर हम प्रेडिशन की बात करें बच्चों तो वो क्या होगा 398 होगा, बट यहाँ पे 400 दे रखा है, तो ये भी क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सी में, जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये सही हो जाएगा बच्चों, ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि होल नंबर जो होता है बच्चों वो जीरो से स्टार्ट होता है, हमने आपको अभी बताया भी है। अब देखो कह रहे हैं 600 इज द सक्सेसर ऑफ 500, इतना तो 500 का जो सक्सेसर्स हैं बच्चों वो 600 होगा, ये भी क्या होगा बच्चों ट्रू होगा, और सॉरी ये भी बच्चों क्या होता है ट्रू था, है ना, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, राइट, ये हो जाएगा ट्रू, ये भी होगा ट्रू।
अब देखो बच्चों, ऑल नेचुरल्स नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल्स नंबर है बच्चों, वो होल नंबर हो सकता है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। बट अगर इसका उल्टा पूछ देता तो ये फॉल्स हो जाता, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो फॉल्स होता। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रू होगा। अब देखो बच्चों, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल्स नंबर, तो ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो होता है बच्चों, वो जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर जो है ना बच्चों, वो क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर जो होता है वो वन से स्टार्ट होता है। तो जितने होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, बट जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा। इसीलिए द होल नंबर्स हैज़ ज़ीरो इज़ अ नो प्रेडेसर, तो जीरो का कोई प्रेडेसर्स होता ही नहीं बच्चों। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें स्किप भी किया एक दो बच्चों, तो आप इनको देख लेना, आराम से कर लोगे, कोई हार्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।